ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने इस्तीफे की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है, मगर यह भी कहा गया है कि जब तक नए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वह कार्यरत रहेंगे। कोविड-19 के लॉकडाउन एवं कुछ घरेलू कारणों से जॉनसन ने जनता का विश्वास खो दिया था, जिस कारण जनता ने अविश्वास मत का प्रस्ताव रखा, लेकिन अविश्वास मत में जॉनसन जीत गए। जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी से हैं और पार्टी का जनता पर विश्वास बनाए रखने के लिए उन्होंने इस्तीफे की मांग की थी। हम जानते हैं इंग्लैंड एक संवैधानिक राजतंत्र देश है, जहां पे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, वह राजघराने से होता है। फिलहाल एलिजाबेथ II वहां की राष्ट्रपति है, मगर संसदीय लोकतंत्र होने के कारण वहां पे चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री संसदों द्वारा चुने जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री तक का पद जनता द्वारा चुना जाता है। राजतंत्र का असर यहाँ के संविधान पर भी दिखता है, जिस कारण यहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है। राज्यों एवं वहाँ के न्यायाधीशों द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ नए प्रधानमंत्री का चुनाव संसदीय प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा और वह प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम का मुख्य यानी इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड एवं नीदरलैंड का प्रधानमंत्री होगा। 19 के कारण ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली, जिसमें पाकिस्तान में भी सत्ता पलट की घटना चर्चे में रही, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास मत द्वारा हराकर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे। हालांकि इन दोनों देशों से भारत का कोई बहुत बड़ा व्यापारिक एवं व्यावसायिक संबंध नहीं है। फिर मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।